फाइनली मैंने टाटा वाई वाई कर दिया अपने 14 प्रो मैक्स को। अच्छा सख क्या क्या कलर है भाई साहब, जय श्री राम। बजरंग बली हवा हवा रही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अक्षर। तो ये वीडियो में क्या होने वाला है ये तो आपको थंबनेल और टाइटल से पता चल ही चुका है। जी हाँ, फाइनली मैंने टाटा वाई वाई कर दिया अपने 14 प्रो मैक्स को। अच्छा सख क्या। वेलकम करते हैं इस आईफोन 15 प्रो मैक्स 256 GB नेचुरल टाइटेनियम का। ऑफलाइन मार्केट से हमने इसको परचेज किया है और मुझे पता है काफी लोग बोलेंगे कि 2 महीने बाद 16 लॉन्च हो जाएगा, तो अब इसको परचेज क्यों किया, तो वही इसके पीछे रीजन है जो कि आपको वीडियो में पता चल जाएगा। फिलहाल अगर आप चैनल भी नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कर दिया करो। अब नई चीज परचेज करिए तो वीडियो बनाना बनता है। तो चलिए बड़ा ओपन करते हैं इसको और चेक करते हैं हमारा ये नया 15 प्रो मैक्स टाइटेनियम है भाई साहब। तो ये हमारे आईफोन का बॉक्स, फटाफट करते हैं इसको ओपन। ये देखिए हमारा चमचमाता हुआ 15 प्रो मैक्स नेचुरल टाइटेनियम। क्या कलर है भाई साहब, लाजवाब जो है लग रहा है देखने में। बाहर निकाल दें इसको और ये देखिए ये सील वगैरह भी इसी के अंदर पड़ी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ऑफलाइन परचेज किया था तो अनबॉक्स पहले ही कर चुके हैं इसको। और क्या क्या चेंजेज हुए हैं ये तो आपको पता ही होगा इसके अंदर। उसमें से एक है ये केबल, तो ये देखिए अब कोई लाइटनिंग केबल नहीं है यहाँ पर। USB टाइप सी टू टाइप सी केबल आपको मिल दिया क्योंकि हमारे आईफोन के अंदर आ चुका है USB टाइप सी पोर्ट। उसके बाद आपको मिल जाता है ये एप्पल स्टिकर डॉक्यूमेंटेशन और ये सिम इजेक्टर टूल। वैसे ये हैं इनबॉक्स कंटेंट्स, रखते हैं इसको साइड में। अब अनरैप करते हैं इस पेपर को। ओ भाई साहब, तो चलिए शुरू करते हैं ओवरव्यू और बात करते हैं क्या क्या चेंजेस जो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सबसे पहली चीज, अब आईफोन हो चुका है पहले से कहीं ज्यादा मजबूत इस टाइटेनियम फ्रेम के साथ। मैट फिनिश आपको मिल जाती है दोस्तों, हालांकि हमने इस पे मैट स्किन लगवा दी थी और एज जो अराउंडेड अब पहले 7 inches थे तो इससे क्रीपिंग भी अच्छी हो गई है। यहाँ पर है इसका पावर ऑन एंड ऑफ बटन, टॉप में कुछ नहीं है। राइट साइड में देखिए यहाँ पर भी आपको चेंज देखने को मिलता है। पहले यहाँ पर होता था साइलेंट बटन, स्लाइड करने से जो है साइलेंट हो जाता था आईफोन, अब यहाँ पर जो है रिप्लेस कर दिया गया उसको एक्शन बटन के साथ। उसके बाद है वॉल्यूम अप एंड डाउन स्विच, फिर है इसकी सिम ट्रे, डुअल सिम आप यूज कर सकते हैं, एक ई सिम और एक नैनो सिम। और वही बॉटम में ये देखिए अब यहाँ पर आपको मिलता है USB टाइप सी पोर्ट, तो किसी भी टाइप सी केबल से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। और ये इसकी माइक ग्रिल, ये है स्पीकर ग्रिल। अब चलते हैं बैक साइड में और भाई साहब ये देखिए मेन चीज़ यहाँ पर है, एक तो इसका कलर फिनिशिंग। तो कैमरा लेआउट आपको 14 प्रो मैक्स जैसा ही देखने को मिलता है, लेकिन जो चेंज है वो यहाँ पर है, इसके बारे में बात करेंगे। और भी फ्रंट में आपको मिल जाती है 6.7 inches की सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले और क्वालिटी आपके सामने है दोस्तों। बेजल जो है काफ़ी थिन कर दिए गए हैं 14 प्रो मैक्स के मुकाबले और 2000 nits का पीक ब्राइटनेस है। 120Hz जो है रिफ्रेश रेट है। स्क्रीन क्वालिटी टॉप नॉच है दोस्तों, इतने पैसे या तो टॉप नॉच मिलनी है। बाकी देख लीजिए इसका भी एक सैंपल। मस्त डिस्प्ले है दोस्तों। चलिए अब एक ऑडियो सैंपल भी सुन लीजिए अपना फेवरेट रैप जय श्री राम। बजरंग बली हवा हवा रही। उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम पूज दो ही दुनिया सारी, दे नाम का डंका कजे भारत से लंका। तो ये थे इसके ऑडियो और वीडियो सैंपल से। अब बात करते हैं कैमराज की। तो फ्रंट में आपको मिल जाता है 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप जिसमें मेन कैमरा है 48 मेगापिक्सल का, उसके बाद है 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और वही ये एकदम लेटेस्ट जूम लेंस टेलीफोटो लेंस। 12 मेगापिक्सल का ये लेंस है दोस्तों और 120mm तक जो आप इससे ऑप्टिकल जूम कर सकते हैं। क्वालिटी लाजवाब रहने वाली दोस्तों। 14 प्रो मैक्स का कैमरा भी अच्छा था लेकिन यहाँ पर और भी इम्प्रूव कर दिया गया है। ग्रेन वगैरह जो काफी कम देखने को मिलती है आपको। ये लाइडर सेंसर और यहाँ पर इसका सेकेंडरी माइक, ये है LED फ्लैश। अब देखिए इसके कुछ कैमरा सैंपल्स। तो ये कैमरा सैंपल्स भी आपने देख लिया। अब वेट भी चेक कर लेते हैं इसका। तो वही 222.9 ग्राम का ये आईफोन है और पहले से बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है ये। तो ये अब चेक करते हैं इसका ये एक्शन बटन कैसे वर्क करता है। ये देखिए प्रेस एंड होल्ड करना होगा इसको, तो साइलेंट मोड पे चला जाएगा और प्रेस एंड होल्ड रिंग पे आ गया वापस। इसके अलावा काफ़ी सारे मोड्स हैं जैसे कि ये फोकस मोड, कैमरा आप ओपन कर सकते हैं इससे डायरेक्ट, टॉर्च, वॉइस मेमो, ट्रांसलेट, तो ये सब भी जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। बस आपको ये एक्शन बटन प्रेस एंड होल्ड करना है। ये देखिए कैमरा ओपन हो गया और रिकॉर्डिंग भी आप ऑन कर सकते हैं इसी से। अगेन प्रेस एंड होल्ड, ये देखिए रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है।
मैग्नीफायर, शॉर्टकट, एक्सेसिबिलिटी और नो एक्शन। अगर आपको कुछ भी एक्शन इससे नहीं करना है तो नो एक्शन पे आप रख सकते हैं, कुछ भी वर्क नहीं करेगा इसके थ्रू। तो ये हमारा एक्शन बटन। प्रोसेसर आपको इसके अंदर मिल जाता है A17 Pro। तो यही अपना 15 Pro Max। अब बात करते हैं 14 Pro Max को क्यों सेल किया। तो इस सबसे मेन चीज है उसकी रीसेल वैल्यू। अगर 2 महीने बाद में उसको सेल करता तो आज जो वैल्यू मिली है वो नहीं मिलती। उसका बैटरी हेल्थ भी जो है 88% रह गया था, और 2 महीने बाद अगर और भी घट जाता तो वैल्यू और भी डाउन हो जाती। तो यही मेन रीजन था उसको सेल करने का और इसमें अपग्रेड करने का, क्योंकि ये जो काफी इम्प्रूव्ड है 14 प्रो मैक्स से। सबसे मेन चीज USB टाइप सपोर्ट, यहाँ पर एक्शन बटन, जूम लेंस, और लाइट वेट है ये उससे काफी ज्यादा। इसका कलर और बेजल्स भी जो है थिन कर दिया दोस्तों। इसके जो अपडेट आएगी iOS 18, उसमें जो AI फीचर्स है वो भी उसमें वर्क नहीं करते, इसमें सारी चीजें जो वर्क करेंगी। सबसे मेन चीज एकदम ब्रांड न्यू डिवाइस है। तो यही कुछ रीजन थे इसको परचेज करने के। रही बात iPhone 16 की, तो 2 महीने बाद वो लॉन्च होगा तब देखी जाएगी। फिलहाल तो यही अपना नया iPhone। वीडियो आपको कैसा लगा बताइए कमेंट करके। परचेज करना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ऐसे बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट्स देखने के लिए। और हां, ये केस भी जो है मैंने ऑर्डर कर दिया था, तो इसका भी शॉर्ट आपको देखने को मिल जाए चैनल पे। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। टाटा, बाय बाय।